हाय फ्रेंड्स, अक्सर करके बड़े बीमा से ज़्यादातर एजेंट डर जाते हैं। बड़े बीमा से भी डरते हैं, साथ ही साथ बड़े लोगों से बीमा मांगने में भी डरते हैं। इस वीडियो में सलूशन बताऊंगा मित्रों, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, बड़े लोगों से बीमा मांगते समय क्यों डरता है एजेंट, या फिर बड़ा बीमा करते समय, बड़ा प्रीमियम लेते समय क्यों डरता है एजेंट, यह आज का मुद्दा है और इस विषय में आखिरी तक बात करूंगा, आखिरी में कंक्लूजन भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए। मित्रों, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और ऑलरेडी मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आने वाले पीढ़ियों को कुछ ना कुछ ऐसा दूँ जिससे कि वो लोग कुछ बड़ा काम, कुछ ज़्यादा बेहतर काम कर पाएँ। मित्रों, होता क्या है कि एजेंट एजेंसी लेता है, उसके बाद वह बीमा बेचना शुरू करता है और उन्हीं ग्राहकों को तलाश करता है जिनको आसानी से पॉलिसी बेच पाए। एजेंट के मन में एक मानसिकता बनी होती है, एक सोच बनी होती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जाऊं, ऐसे लोगों से मिलूं जो हमारी बात को आसानी से मान ले, या फिर ऐसे लोगों से मिलूं जिससे मिलने में डर न लगे। और यह डर और यह हिचक एक एडवाइजर को बड़ा एडवाइजर या बड़ा सेल्समैन बनने में रोक देती है। मित्रों, होता क्या है, जब कोई बड़ा एडवाइजर बड़ा पॉलिसी बेचने के लिए निकलता है तो वह छोटे लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन जब छोटा एडवाइजर, छोटी पॉलिसी करने वाला एडवाइजर बड़े लोगों से मिलता है तो वह उनसे भी नहीं मिल पाता है। कारण उसका है कि वह डर रहता है, एक हेजिटेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है और वह डरता रहता है कि मुझसे कौन सा सवाल कर लेंगे। इसमें एडवाइजर को अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ता है और डरने की बात तो करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम सेल्स का है, हमारा काम बीमा बेचना है। चाहे छोटा बीमा बेचूं, चाहे बड़ा बीमा बेचूं, चाहे छोटे लोग को बीमा बेचूं, चाहे बड़े लोग को बीमा बेचूं, लेकिन उसमें डरने की क्या बात है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई आदमी कुछ ऐसा जॉब करता है जिसमें कि जैसे अखबार बेचने का काम, सब्जी बेचने का काम, उसमें उसको ज़रा भी हिचक नहीं होता है। वह बड़े लोगों को भी सब्जी बेचता है, छोटे लोगों को भी सब्जी बेचता है। कोई आदमी बड़े लोगों का भी वाशरूम जाके साफ करता है, कोई आदमी छोटे लोगों का भी वाशरूम जाके साफ करता है, बट उसको कोई हिचक नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि उसके काम ही उसका पैशन बन चुका है, उसको काम करने में जरा भी हिचक नहीं है और उसका मिशन है पैसा कमाना, उसका मिशन है ज़्यादा लोगों को साफ सफाई की सेवाएँ देना। और जब मिशन है तो निश्चित तौर से डर की कोई बात ही नहीं है। बड़े लोगों से बीमा बेचते समय डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। छोटा ग्राहक ज़्यादा परेशान करता है, बड़ा ग्राहक सेंसियर होता है, बड़ा ग्राहक समझदार होता है, बड़ा ग्राहक कभी भी आपको दुत्कार के नहीं भगाएगा, बड़ा ग्राहक हमेशा आपका सम्मान करेगा, बड़ा ग्राहक आपको अपना बना के रखेगा, बड़ा ग्राहक आपको कभी खोना नहीं चाहेगा, बड़ा ग्राहक कभी आपको इस तरीके की बात नहीं करेगा जो आपको हर्ट करेगा। हाँ, वह थोड़ा टाइट ज़रूर होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, सोच होती है, इसलिए वह थोड़ा टाइट होता है। गेट के अंदर घुसते समय आपको रोकेगा, पूछेगा, कड़क आवाज़ में बात करेगा, कड़क आवाज़ में बात करेगा लेकिन प्रेम से बैठाएगा। अपनी मेंटेलिटी को बदल देने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदल देने की ज़रूरत है। अगर आप सोच बदल लेंगे कि मुझे बड़े लोगों को भी बीमा बेचना है, अगर आप सोच बदल देंगे कि जितना मैं छोटा बीमा बेचता हूँ उतना ही बड़ा बीमा भी बेचूँगा, तो निश्चित तौर से आप बड़े बड़े टारगेट अचीव कर पाएंगे। एक बड़ा एजेंट छोटे छोटे बीमा करके ही बनता है, लेकिन इतना बात ध्यान रखना चाहिए, जैसी संगत वैसी रंगत। बड़े लोगों की संगत करेंगे तो निश्चित तौर से बड़े बीमा आसानी से बेच पाएंगे। संगत अच्छी रखिए, साथ ही साथ बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट में रहिए, बड़े लोगों से बात करते रहिए, बड़े लोगों की कामयाबी के रहस्य को जानिए, उनसे खुद सवाल कीजिए, बड़े लोगों से बात करके उनको मोटिवेट करिए, उनको थोड़ा सा प्रशंसा दीजिए और निश्चित तौर से आप बड़ी पॉलिसी भी बेच पाएंगे। बड़े लोगों से बीमा बेचते समय या बड़ा पॉलिसी बेचते समय तनिक भी डरने की नहीं जरूरत है। हाँ, कुछ डर है तो उसको आप नॉलेज लेके अपने गुरु से, अपने मेंटर से बात करके या फिर कुछ किताबें पढ़ के
कुछ YouTube पे वीडियो देख के, कुछ लोगों से, बड़े लोगों से खुद पूछ के कि सर आप जैसे लोगों को कैसे प्रपोज करें, कैसे बात करें, सर डर लगता है, ऐसी क्या बातें हैं कि उनसे करें, या ऐसे क्या उनसे करें कि हम बड़े आसानी से उनसे मिल पाएं। सोच को बदल देने की ज़रूरत है, उनसे खुद उपाय पूछने की ज़रूरत है, और कुछ उपाय अपने गुरुजी लोगों से पूछने की ज़रूरत है, कुछ उपाय अपने ट्रेनर लोगों से पूछने की ज़रूरत है, कुछ उपाय अपने मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर या ब्रांच मैनेजर या आपके अपलाइन से पूछने की ज़रूरत है। उपाय है मित्रों, बहुत ऐसा उपाय है, बस हेजिटेशन छोड़ दीजिए और अपना मिशन बना लीजिए कि मुझे बड़े लोगों से भी मिलना है, मुझे बड़ी पॉलिसी भी करना है। अगर आपके पास मिशन है, आपके पास विजन है, आपके पास गोल है, तो निश्चित तौर से आप सफलता जरूर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए, साथ ही साथ हमें दुआ कीजिए कि हम ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।